अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। और सोनिया को मैंने लगा दिया कैबिनेट्स की सेटिंग में, क्योंकि बर्तन जो हैं वो निकाल निकाल के रख रख के इतने ख़राब हो गए थे कि गुत्थम गुत्थम हुआ हुए थे बर्तन आपस में। और फ्राई पैन निकालने लगते तो समझ ही नहीं आती थी कि कैसे निकालें और कहाँ है, मतलब मिलते ही नहीं थे चीज़ें ना। तो उसको मैंने लगा दिया कैबिनेट्स की सेटिंग में। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी एक ऑमलेट, जिसमें मैंने पहले तो प्याज को हल्का सा फ्राई किया, फिर टमाटर डाले और उसको हल्का सा फ्राई किया, नमक और थोड़ी सी मैंने कुटी मिर्च डाली थी, उसके बाद दो अंडे साथ ही डाल दिए और थोड़ी सी मैंने हर्ब्स डाली हैं और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी मिर्च डाली और उसको ढक दिया है। इतने में प्याज वगैरह भी पक जाएंगे और अंडे भी पक जाएंगे। और यहाँ पे स्लाइस को गर्म कर रही हूँ। और अभी मैंने चढ़ा दिया था सालन, मटन चढ़ाया है, उसमें मसाले डाल के उसकी बुनाई कर रही हूँ। और मेरे पास टमाटर ख़त्म हो गए थे तो ये किचन गार्डन वाले टमाटर आज मेरे बड़े काम आए हैं। छोटे छोटे से लगे हुए थे, तीन टमाटर लगे हुए थे, रेड कलर में हुए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। और दूसरी साइड पर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। और क्योंकि मैं बुनाई कर रही थी तो मैं साबुत टमाटर मैंने डाले नहीं, क्योंकि जो मेरी किचन गार्डन के टमाटर है ना उसका छिलका थोड़ा सा सख्त ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको ब्लेंड करके डाला था, साथ ही मसाले डाल दिए और बस इसके बनाई कर रही हूँ। और टमाटर नहीं थे तो आज हमारे अपने टमाटर बड़े काम आए हैं, वरना मैं सोच रही थी कि सालन में क्या डालूं, क्योंकि मैंने जो टमाटो पेस्ट रखा हुआ था उसमें सारी वो लग गई है फफूंदी, सारे डब्बे ख़राब हो गए हैं। सर उसमें पड़ा भी बहुत थोड़ा सा था तो वो तो मैंने फेंक दिया है। यहाँ पे मैंने वो रखा हुआ है घी बनने के लिए और तैयार मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है किसी के घर और आजकल मेरा रोज़ ही कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा है। वो इसलिए क्या हमेशा से वो इसलिए क्योंकि मनाल के एग्ज़ाम्स थे, अब छुट्टियाँ हुई हैं तो सबके साथ मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं छुट्टियों में आप सबके घर आऊँगी। इससे बारी बारी हर दूसरे तीसरे दिन हम कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। अभी शाजी भी आ गई है तो हम सब ने इकट्ठे जाना है। सालन मैंने कहा बना के रखती जाऊँ क्योंकि फिर अम्मी शायद पीछे हो तो तैयारी देखिए, मुझे कहा है हम सिंपल जाएंगे और अपनी तैयारी देखो। मैं बिल्कुल आप तो बंदे ना भी कभी कभी तैयार करिए, डेली तैयार होती है, डेली इसकी वीडियो देख रही हूं, ये तैयार होती है, मैंने कही बड़ी प्यारी लगती है, मैंने कहा चलो मैं भी आज तैयार हो चुकी हूं। मिस यू मम्मा, मिस यू, मिस यू टू, क्या कैसे कहते हैं, मिस यू टू, मिस यू टू। हां ये अंदरों ना
मैदे से बनाते, पूरी रेसिपी देंगे या नहीं? पूरी रेसिपी नहीं देंगे। मैं पैसे गिन ना उनके कोल नाल छोले थोड़े चाल यार है और आज इनके घर हम जा रहे थे, वो शाजी की फ्रेंड हैं और वो अंदरून में रहती हैं। हम उनके घर कभी नहीं गए हैं लेकिन फ़ोन पे काफ़ी शाजी की जो है वो बात होती रहती है। और आज फर्स्ट टाइम इनके घर जा रहे थे और हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो हम इकट्ठे जाते हैं, भले वो मेरी कोई फ्रेंड हो भले कोई शाजी की फ्रेंड हो, हमारी आदत है कि हम लोग इकट्ठे जाते हैं क्योंकि जानते तो सारे मुझे भी हैं और उसे भी सारे इकट्ठे जानते हैं। तो जी यहाँ पर अंदरून में आके यकीन करें, पहले मुझे हो रहा था कि गलियाँ हैं कैसे जाएँगे और दुकानें भी हैं अंदर, लेकिन यकीन करें अंदर जाके इतना कुछ सुकून मिला है। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग थी और डेढ़ डेढ़ सौ दो दो साल पुरानी बिल्डिंग्स थी और जाके यकीन करें हमें लगा है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वैसे तो जाहिर है मुल्तान में ही सारा बचपन गुजरा है लेकिन इतना अंदरून में हम कभी गए नहीं हैं क्योंकि कभी कोई रिश्तेदार भी नहीं रहे हैं वहाँ पर और कभी कोई जाने वाले भी नहीं रहे हैं। तो अब यह है कि बड़ा एक्सपीरियंस इसको क्लोजली देखने का हमें हो रहा है। तो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग थी और इतने पुराने पुराने दरवाजे लगे हुए थे कि बस मैं सोची थी कि यहाँ पे भी एक दुनिया आबाद है। और नए घर भी बीच में काफ़ी बने हुए हैं, पुराने भी बहुत खड़े हुए हैं बीच में जिसमें शायद कभी कोई हिंदू रहते होंगे मुसलमान रहते होंगे क्योंकि पहले सारे इकट्ठे रहते थे। तो कैसे उनकी यादें होंगी, कभी किसी की शादियाँ हुई होंगी, बच्चे हुए होंगे, खुशियाँ हुई होंगी, तो कितने इमोशंस इन घरों के साथ लोगों के जुड़े होंगे। लेकिन अभी भी घर हैं, लोग रह रहे हैं इनके अंदर और सबकी कोशिश यही होती है कि हम इसको गिरा के नया बनाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितनी खूबसूरत जगहों पे वो रह रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। तो बल्कि हिंदुस्तान के दौर का घर है, वही ना लगता है सेम वहीं के वहीं आ गए। ये भी घर बहुत पुराना है। कौन सा? ये भी सारे पुराने घर हैं। नहीं हम जब पैदा भी नहीं होते मेरे दादा और रहते थे यहाँ पे। अच्छा बटे तो हमें ये वाला कर दिया था और लोग बाहर चले गए। अच्छा अच्छा कैसे ये कंस्ट्रक्शन उसी टाइम की हुई खड़ी है? छोटी छोटी ईंटें हैं। हाँ जी ऐसे घर हैं छोटी छोटी। हाँ अच्छा यार ना ये भी नहीं, ये नया बना है। ये वाला नहीं नहीं ये तो पुराना है, बहुत पुराना। ये तो पुराना है ना, देखो कितना 100 साल पुराना होगा। 100 साल ओहो। डोली रोटी वाला इधर रेडी लगी है, हमें ऐसी चीजें बड़ी पसंद है। हम रहते हैं वहाँ ऐसी चीजें हैं नहीं, हमने वहाँ हमने कहा भी हमें तीन वो दे दो डोली रोटी इतने से चने उसने दिया, हमने वो खा के फिर हम निकले वहाँ से। तो मुझे बताती मैं मंगा देती आपको। चलो भाई आ जाओ। आए लड़की ना आपकी शादी होने से और इन्होंने इतना ज़्यादा कोई इंतज़ाम कर लिया था, दही भले मंगवा ली थी। और अंदरून की चीज़ें ना इस रंग की बड़ी मज़े की मिलती हैं, समोसे रोल वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी जो कि मुझे देख के बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने कहा नहीं हम बस चाय पी लेते या सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप दही भले मंगा लेती क्योंकि वो हमें बड़े पसंद हैं तो वही हम लोग खा लेते, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं आप टाइम से आते तो हम लोग खाना भी बनाते। मैंने कहा नहीं हमने आज जो देखा है ना और आज जो हमें खुशी हुई है ना, और थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई थी तो बड़ा खूबसूरत मौसम हो गया था। और वहाँ पे उनका ना एक टोपी वाला बुरका था, मैंने वो भी पहन के देखा था। आप हमारी बिरादरी के लगते हैं।
अच्छा आपके बरादरी के और उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे। वैसे तो हमारा यहीं पे आने का प्रोग्राम था क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से नहीं आए थे। आपको याद ही होगा व्लॉग्स बाय बरीदा के नाम से जिनका चैनल है, हम उनके घर बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारी उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। आ जाए इनके घर और उनके अंदरून में, तो आज वैसे अचानक से प्लान बना था। उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया हुआ था, और जो आंटी हैं वो इतना मज़े का खाना बनाती हैं और वाकई उनके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे फिर आराम से खाना खाए हम लोगों ने, रात तक बैठे रहे। उसके बाद फिर रात को बहुत लेट हम लोग वापस घर आए थे। तो यहाँ पे चिकन था, मटन था, पाए बहुत ज़्यादा मज़े के थे, पुलाव भी था, और आज तो बस हम लोग घूमते ही रहे हैं। तो आपसे चाहूंगी यहीं पे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।